बांदा के बबेरू क्षेत्र में सनसनीखेज घटना सामने आई है। अवैध संबंधों के शक में पति ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और पत्नी की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद पति एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में पत्नी का कटा सिर लेकर थाने पहुंच गया। पूरे इलाके में इस वारदात से दहशत फैल गई है। आज बबेरू कस्बे में एक किन्नर यादव नाम के व्यक्ति अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी का हत्या करके उसका कटा हुआ सर लेकर के सुबह करीब 8:30 बजे थाना बबेरू पहुंचा और उससे पूछताछ पर जानकारी हुई कि उसका अपने बगल का पड़ोसी रविकांत नाम का एक व्यक्ति है, उससे उसके पत्नी के अवैध संबंध है जिसके शक में उसने अपने पत्नी की हत्या की है और उसने रविकांत पर भी खुरपी से पर वार किया है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में थाने पर जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।